Hey guys, Professor Niti Trivedi here, and today we're going to see total energy and specific energy in open channel flow. ये बहुत ही ज्यादा important है, आगे हमें समझना है what is specific energy curve next lecture में. तो इससे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, चलो जल्दी से start करते हैं. इससे पहले हम समझते हैं, ये जो मैंने figure यहाँ पे draw किए, यहाँ मैंने एक open channel flow दिखाया, ये है इसकी channel bottom or you can say it is a bed of a channel. ये है इसकी फ्री वाटर सरफेस विच इज ओपन टू एटमोस्फियर, क्योंकि ये कौन सा फ्लो है, इट इज ओपन चैनल फ्लो. ये है इसकी डेप्थ, यानी यहां से यहाँ यहाँ चैनल का ये बेड है और यहां तक इसकी फ्री वाटर सरफेस है, एंड दिस इज वाई विच इज द डेप्थ ऑफ फ्लो. समझ में आ रहा है? फिर ये है इसकी काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर बाय 2g, और जहां हमने दिखाई है स्पेसिफिक एनर्जी लाइन जो हम समझने वाले. फिर यहां मैंने एक डेटम लाइन ली है, क्यों ली है, क्योंकि अगर मुझे कोई डिस्टेंस बताना है, समझ लो मुझे बताना है कि फ्री वाटर सरफेस कितने डिस्टेंस पे, तो मुझे कुछ ना कुछ क्या लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस लेना पड़ेगा कि जहां से मैं चैनल बॉटम कहाँ पे है, जहां से ये फ्री वाटर सरफेस कहाँ कितने डिस्टेंस पे है, वो मुझे दिखाना है. सो मैंने ली है एक रेफरेंस लाइन. तो समझ में आ रहा है, जेड इज वॉट, इट इज द हाइट ऑफ चैनल बॉटम और यू कैन से बेड ऑफ चैनल अब वो डेटम. समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इट इज जेड, ये है डेप्थ ऑफ फ्लो, और यहां जो हमने वेलोसिटी ली है वो है मीन वेलोसिटी, क्या है, और यू कैन से एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो. अभी टोटल एनर्जी किसे बोलते हैं बच्चों, टोटल एनर्जी. नाउ द टोटल एनर्जी इज एनर्जी एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड. मेरे साथ बोले, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट वेट. याद रखे, पर यूनिट वेट ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. समझ लो कि पर केजी मैंने लिया, पर केजी इज गिवन एज, यानी टोटल एनर्जी क्या होगा जिसे हम डिनोट करेंगे ई से. तो टोटल एनर्जी हम लेंगे कोई रेफरेंस लाइन से. कहां से लेंगे टोटल एनर्जी, हम लेते हैं रेफरेंस लाइन से जहां हमने डेटम लिया है. सो टोटल एनर्जी विल बी द जेड, ये डिस्टेंस, प्लस वाई, प्लस ये डिस्टेंस. यानी हम डेटम से लेके स्पेसिफिक एनर्जी लाइन तक जाएंगे, यानी वो होगा जेड प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर बाय 2g. ये है हमारा टोटल एनर्जी. क्या है हमारा टोटल एनर्जी? अब समझना है कि स्पेसिफिक एनर्जी क्या है. अभी हमने समझना है कि स्पेसिफिक एनर्जी क्या है. तो अगर अगर मैं ऐसा करूं, इफ आई विल टेक दिस चैनल बॉटम, इफ आई विल टेक this channel bottom as the datum, this channel bottom as datum. अभी मैंने क्या लिया, यहां से नहीं ले रही, समझ में आ रहा है? ये जो डेटम पहले मैंने यहां अज्यूम किया था, अब मैं वो ले रही हूं कि अगर ये जो इसका बेड है, ये इसका जो चैनल बॉटम है, वही इसका डेटम है, यानी अब मैं ले रही हूं इसे डेटम. तो ये तो भूल जाएगा क्योंकि ये यहां तक आ चुका है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है. अब यहां से मुझे यहां तक का लेना है. सो स्पेसिफिक एनर्जी के लिए क्या होगा, इफ आई टेक चैनल बॉटम इज द डेटम, देन एनर्जी ऑफ then energy of flowing liquid, the energy of flowing liquid per unit weight will be, क्या होगा बच्चों, अब सिर्फ रहेगा इतना, यानी कि अब रहेगा सिर्फ y plus v square by 2g. क्या रहेगा, सिर्फ y plus v square by 2g. तो ये जो है हमारा, ये है हमारी स्पेसिफिक एनर्जी. ये क्या है हमारी स्पेसिफिक एनर्जी, यानी स्पेसिफिक एनर्जी तब है जब हम चैनल बॉटम को एज अ डेटम ले रहे हैं, तब जो डिस्टेंस है, यानी वाई प्लस वी स्क्वायर बाय 2g. बट टोटल एनर्जी हमारा क्या है, ये रहा हमारा टोटल एनर्जी. यानी टोटल एनर्जी तब है जब हम कोई चैनल बॉटम से अलग कोई रेफरेंस ले रहे हैं. समझ में आ रहा है? यानी मैंने यहाँ एक रेफरेंस लिया और उस रेफरेंस से ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का, विच इज जेड प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर बाय 2g, विच इज माई टोटल एनर्जी. समझ में आ रहा है? अभी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे बात बतानी है कि ये याद रखना है अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो. एक बात, जो टोटल एनर्जी होती है बच्चों, जो टोटल एनर्जी होती है वो ऑलवेज, द टोटल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन ऑफ फ्लो
ड्यू टू फ्रिक्शन बट ये सारे फ्लूड में नहीं होता, ये कौन से फ्लूड में होता है? इन रियल फ्लूड यानी रियल फ्लूड क्या है? जिसमें क्या होती है? विस्कोसिटी होती है. क्या होती है? विस्कोसिटी होती. समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद रखना कि जो भी सारे रियल फ्लूड है, सो ये कंडीशन जरूरी है कि ये रियल फ्लूड में ही होता है. और क्या होता है? ऑलवेज डिक्रीज इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन. समझ में आ रहा है? ये जो टोटल एनर्जी है ये डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन जहां उसका फ्लो हो रहा है, सो इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन इज ऑलवेज डिक्रीज. किसकी वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन. तो ये बात याद रखनी है. अभी दूसरी बात ये याद रखनी है, अब मैं बोल रही हूँ वो है स्पेसिफिक एनर्जी के लिए. मैंने टोटल एनर्जी के लिए बोल लिया, अभी मैं बोल रही हूँ वो है स्पेसिफिक एनर्जी के लिए. तो फॉर यूनिफॉर्म फ्लो पहले मुझे बताए व्हाट इज अ यूनिफॉर्म फ्लो. यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा? जो वेलोसिटी है, स्लोप है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट अलोंग अ लेंथ. यानी जो भी वेलोसिटी है वो थ्रू आउट लेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी. यानी फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो द स्पेसिफिक एनर्जी इज कॉन्स्टेंट. यानी ये लाइन आपको स्पेसिफिक एनर्जी की ऐसे ही मिलेगी. समझ में आ रहा है ना. बट फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एंड रैपिडली वेरिड फ्लो जो हमने देखा है, अगर आपने मेरा वो वीडियो ना देखा हो तो जल्दी से जाके देख लीजिए व्हाट इज अ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एंड रैपिडली वेरिड फ्लो. सो फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एंड रैपिडली वेरिड फ्लो इट मे इंक्रीज और डिक्रीज बाय चेंज ऑफ सेक्शन. समझ में आ रहा है? अगर सेक्शन चेंज हो रहा है, कोई वेरिएशन आ रहा है, तो वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. क्या? स्पेसिफिक एनर्जी. क्या मैं बोल रही हूं अभी? स्पेसिफिक एनर्जी. समझ में आ रहा है? सो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए स्पेसिफिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रहता है. फिर हमने देखा कि रियल फ्लूड के लिए टोटल एनर्जी जो ऑलवेज डिक्रीज होती है इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन. समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया. ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले व्हाट इज स्पेसिफिक एनर्जी कर्व और कैसे ड्रॉ करते हैं, तो बच्चों वो जरूर देखना. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें.